हेलो एवरीवन, मैं हूं फिरदोशी। हाउ टू कुक दिस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक और इफ्तारी रेसिपी लेकर आई हूं और वो है चिकन रोल। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही झट से बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। तो चिकन को मैं डाल देती हूँ इस पैन में बॉईल होने के लिए। अब इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक और ऐड करेंगे 1 कप पानी और फिर इसे ढककर बॉईल होने देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए, 5 मिनट के बाद चिकन हमारी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई है। तो इसे ठंडा होने देते हैं और इसके बाद मैं हाथों से इसे श्रेड कर लूँगी। और फिर से हम पैन ले लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून तेल। तेल गरम हो गया तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक छोटा सा कैबेज, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 गाजरों को भी ग्रेट कर लिया है और 1 कैप्सिकम को मैंने पतला पतला काट लिया है। तो फ्लेम को हाई ही रखेंगे और सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर हम फ्लेम को लो रखेंगे तो सब्जी हमारी पानी छोड़ देगी। और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। बस सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट और पकाएंगे, वो भी हाई फ्लेम पे। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं श्रेडेड चिकन जो हमने बॉईल किया था। बस सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब गैस ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मैदा ले लिया है, इसमें पानी ऐड करते हैं और इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, घोल यानी कि लई हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास मांडा शीट है, ये लोकल स्टोर पे से मैंने ली है। अगर आप चाहो तो रेडीमेड भी ले सकते हो या फिर घर में भी बना सकते हो। तो इसमें से ये एक मैंने उठा ली है, ऐसे क्रॉस में रखेंगे और फिर इसके बीच में हम फिलिंग रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून फिलिंग रखी है। ये मैं छोटे रोल तैयार कर रही हूँ, अगर आप बड़े रोल बना रहे हो तो 2 से 3 टीस्पून आपको फिलिंग रखनी होगी। तो बस दोनों साइडों से ऐसे फोल्ड कर देना है और रोल कर लेना है। और अब इसके किनारे पे हम लगा लेते हैं लई। और ये देखिए, अभी इसे कर देते हैं बन। तो बड़ा ही आसान है रोल बनाना। तो ये एक रोल हमारा तैयार हो गया है, बस ऐसे ही दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। और ये सीड्स मैं कभी कभी घर में भी बनाती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये देखिए, दूसरा रोल भी हमारा तैयार हो गया है, बस ऐसे ही मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो ये सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो इसमें मैं कुछ रोल अभी फ्राई कर लूँगी और बाकी के रोल मैं इफ्तारी के वक्त फ्राई करूँगी। तो रोल फ्राई करते वक्त आपको फ्लेम मीडियम रखनी है। एक साइड से रोल फ्राई हो जाए तो 2 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये रोल हमारे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन रंग के फ्राई हो गए हैं। तो बस इसे निकाल लेते एक प्लेट में और फिर मैं आपको सर्व करके बता देती हूँ। तो ये लीजिए, तैयार है मज़ेदार से हमारे टेस्टी चिकन रोल। और इसे हम एंजॉय करेंगे मेयोनीज के साथ या तो फिर आप एंजॉय कर सकते हो केचप के साथ।
दोनों ही चीज़ों के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, और ये स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो भी क्लिक करके ज़रूर देखते जाना।